गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर स्टडिंग टर्मिनोलॉजीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड वी आर रीडिंग चैप्टर नंबर 9. सो बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड अप्रॉक्स 30 टर्मिनोलॉजीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन विच ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट आर बेसिकली डिस्कस्ड. नाउ in today's class we are discussing the new terminologies which are like guarantee, contract, specific or simple guarantee, continuing guarantee, bailment. These types of terminology will be discussed in the today's class. Okay students, now the first topic of today's class is guarantee contract. गारंटी कॉन्ट्रैक्ट. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट. एक सीधी सी बात कही गई है कि जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें आप किसी प्रॉमिस को परफॉर्म करने का या किसी थर्ड पर्सन की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने का प्रॉमिस करेंगे अगर वो गलती करता है तो. ठीक है, फॉर एग्जांपल मिस्टर राम इज टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक. मिस्टर राम इज टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक एंड मिस्टर श्याम is making a promise to the bank that if Ram will not pay the loan amount then I will held responsible for it. So this type of contract is called guarantee contract. The second is specific or simple guarantee. स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी मीन्स व्हेन इट गारंटी इज गिवन फॉर अ स्पेसिफिक लोन और ट्रांजेक्शन इट इज नोन एज स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी. दैट मीन्स किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन की आपने गारंटी दी, जैसे कि एक टर्म लोन की, एक स्पेसिफिक वर्क की, तो उसी को हम कहेंगे स्पेसिफिक गारंटी. द नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूइंग गारंटी. और कॉन्टिन्यूइंग गारंटी मीन्स विच एक्सटेंड अप टू अ सीरीज ऑफ डील्स और ट्रांजेक्शन इट इज़ नोन एज कंटिन्यूइंग गारंटी. कि जब गारंटी बीच में रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी और तब तक जब तक कि सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म करेंगे उसे हम कहेंगे कंटिन्यूइंग गारंटी. फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल एंड एजेंट मीन्स कि जब तक एजेंट प्रिंसिपल के लिए काम करता रहेगा तब तक उस एजेंट की वर्क की गारंटी कौन लेगा? प्रिंसिपल लेगा. ऐसा नहीं कि केवल एक ट्रांजेक्शन के लिए है, एक पीरियड के लिए. जब तक वो काम करता रहेगा, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेगा तब तक प्रिंसिपल उसके कैम की गारंटी लेगा, उसी को हम कहेंगे कंटिन्यूइंग गारंटी. इज इट क्लियर?
Now the next point is bailment contract. Bailment contract. Or bailment contract means bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose. Upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, to be returned, otherwise disposed of according to the direction of the persons delivering them. फिर से पढ़ते हैं इसे partition. Bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose. That means one person is transferring goods to second person for some purpose. For some purpose. अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट शेल, जिसके भी ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, नाउ व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, टू बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ. दैट मीन्स जो गुड्स डिलीवर किए गए थे कि क्या होंगे, टू बी रिटर्न और डिस्पोज ऑफ, या बेच दिए जाएंगे या निकाल दिए जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दैम. कि जिस पर्सन ने डिलीवर किए थे उसके डायरेक्शन के हिसाब से काम किया जाएगा. अगर ये कहता है कि गुड्स रिटर्न चाहिए तो रिटर्न कर देंगे, ये कहता है डिस्पोज ऑफ कर देना तो डिस्पोज ऑफ कर देंगे. तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे हम कहेंगे बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? बट एक बात याद रखनी होगी कि ये जो गुड्स हम डिलीवर कर रहे हैं ये एज अ सिक्योरिटी नहीं कर रहे, ये स्पेसिफिक पर्पज कुछ भी हो सकता है लेकिन सिक्योरिटी नहीं होगा, क्योंकि अगर सिक्योरिटी है तो फिर ये प्लेस में चला जाएगा. नेक्स्ट आता है बेलर एंड बेली. द पर्सन हु डिलीवर हिज गुड्स कॉल्ड बेलर, दिस पर्सन इज कॉल्ड बेलर, एंड द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज नोन एज बेली. Is it clear? Then there are two types of bailment contract, gratuitous and non-gratuitous. Bailment without any charge or reward, that means like एक पड़ोसी है, उसने अपने कुछ goods transfer के दिए, थोड़े time के लिए वापस आ रहा है, ले रहा है, तो that means कोई payment नहीं हो रहा, तो ये gratuitous bailment है. Non-gratuitous bailment means bailment for some charge or reward. फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक लॉकर में कुछ रखा, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए बैंक उसके लिए चार्ज लेता है, तो उसी को हम कहते हैं नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट. नेक्स्ट इज राइट ऑफ लीन. राइट ऑफ लीन, lien, right of person to retain the possession of any property for some other person until the charges due to the person in possession are paid. ध्यान से समझना कि for example a seller is selling goods to person which is called as debtor on credit basis. Now the seller is taking possession of the property of debtor. Yes, he can retain until the
charges are paid by the debtors. Is it clear? कि एक जो person है वो तब तक possession में property रख सकता है दूसरे की जब तक कि इसके charges due रहेंगे. Is it clear? The next is pledge. The next is pledge. The bailment of goods as security for payment of a debt or for performance of a promise is called pledge. कि वही अब हम हमारे goods transfer कर रहे हैं one person, second person. But as a security, ठीक है, और सिक्योरिटी किस चीज की? पेमेंट ऑफ डेट. इज इट क्लियर? सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज प्लेज. द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स, the person who is delivering the goods is called owner or pledger. A person who is receiving the goods as security is called pawnee. Is it clear? Next, agency. ठीक है, there is relationship generated by agreement between the agent and the principal in which the principal authorizes the agent to represent him or establish his contractual relationship with other parties. That means the agreement between principal and agent agreement between principal and agent in which principal authorized agent to work on behalf of him and to make contractual relation with third parties. That means agent can make contract with the third parties. Reason, principal authorized कर चुका है agent को. So इसी relation को हम कहते हैं agency. The relationship between principal and agent is called agency. Is it clear? And the last is agent. The person who has been authorized by any person to represent himself. Any person who is authorized by any person to represent himself and establish him for his contractual relationship with other parties. और इसलिए ऑथोराइज किया है कि वो आउटसाइडर से या अदर पार्टी से कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस मेंटेन कर सके, इसी टर्म को हम कहेंगे एजेंट. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द टर्मिनोलॉजीज ऑफ चैप्टर नंबर 9 विच आर वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 10. सो प्लीज गो थ्रू द वीडियोज इफ यू हैव गॉट एनी डाउट, और अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता यू कैन कॉल और व्हाट्सएप ड्यूरिंग स्कूल आवर्स. सो स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क. थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.